वेलकम टू आवर चैनल। आज है 29 अप्रैल 2020। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। जितने भी करंट अफेयर्स 29 अप्रैल 2020 में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। ये वीडियो डेली मॉर्निंग में 3 बजे आप लोगों के लिए आ जाएंगे। दोस्तों, इस कम्प्लीट वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। कल का जो क्वेश्चन नंबर था, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे डिजिटल कुशल देश का नाम क्या है? ऑप्शन सिंगापुर, भारत, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? पुलाउ उजोंग। और करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब। यूनाइटेड किंगडम के कैपिटल क्या है? तो लंदन। और करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। और करेंसी क्या है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए नोकिया ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन भारतीय एयरटेल, जियो, वोडाफोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल के सीईओ कौन है? गोपाल विट्ठल। और भारतीय एयरटेल के फाउंडर कौन है? सुनील भारती मित्तल। भारतीय एयरटेल के मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। और भारतीय एयरटेल कब स्थापित किए गए? 7 जुलाई 1995 इंडिया में। जियो के सीईओ कौन है? मुकेश धीरूभाई अंबानी। और जियो के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। वोडाफोन के सीईओ कौन है? निक रेड। और वोडाफोन के मुख्यालय कहाँ है? बर्कशायर, यूनाइटेड किंगडम में। नोकिया के सीईओ कौन है? पीका लैंडमार्क। कौन है? पीका लैंडमार्क। और नोकिया के मुख्यालय कहाँ है? इस्पो फिनलैंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थान में से कौन सा कम लागत वाले वेंटिलेटर रूहदार विकसित किया है? ऑप्शन आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर, आईयूएसटी, ये सभी। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर कौन है? सुभाष चौधरी। और आईआईटी बॉम्बे कब स्थापित किए गए? तो 1958 में। कब किए गए? तो 1958 में। एनआईटी श्रीनगर कब स्थापित किए गए? तो 15 अगस्त 2007 में। आईयूएसटी की फुल फॉर्म क्या है? इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईयूएसटी, कब स्थापित किए गए? तो 7 नवंबर 2005 में। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी स्टैटिक जी के फैक्चुअल पॉइंट्स, स्टैटिक जी के फैक्चुअल पॉइंट्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सब के सब पॉइंट मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस किस दिन विश्व स्तर पर मनाया जाता है? ऑप्शन 28 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, 28 अप्रैल। इसके विषय क्या है? महामारी को रोके, स्टॉप द पैंडेमिक। थीम क्या है? स्टॉप द पैंडेमिक। यह पहली बार 2003 में भारतीय श्रमिक संगठन द्वारा देखा गया है। आईएलओ भारतीय श्रमिक संगठन के मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आईएलओ, आईएलओ कब स्थापित किए गए? तो 1990 में। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे। और 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। कौन सा दिवस? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विश्वविद्यालय कोविड-19 के लिए प्लाज्मा उपचार चिकित्सा को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? ऑप्शन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द, प्रभारी
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कब स्थापित किए गए? तो 2 जून 1956 नई दिल्ली में। किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी ये कहां है? तो लखनऊ में है। सॉरी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कब स्थापित किए गए? तो 1905 में। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कब स्थापित किए गए? तो 2 जून 1956 नई दिल्ली में। और जामिया हमदर्द कब स्थापित किए गए? तो 1989 में। और इसके मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, अनुभवी खेल फोटो पत्रकार जो हाल ही में निधन हो गया उनका नाम क्या है? ऑप्शन रूनो जाय रानी रॉय, बिजल मिश्रा, जेम्स एम बिग्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोनो जॉय रानी रॉय। ये कौन थे? एक फोटो जर्नलिस्ट थे। इन्होंने विश्व कप 2019 को कवर किया था। अगला क्वेश्चन है, एआई अर्थ सर्च इंजन का नाम दे जिसे ट्रिपल आईटीएम के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन सुलोकाना, विलोकाना, त्रिलोकाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, विलोकना। विलोकना के मतलब क्या है? फाइंडिंग आउट। क्या है? फाइंडिंग आउट। ट्रिपल आईटीएम के फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, केरला। और ट्रिपल आईटीएम के कब स्थापित किए गए? तो 2000 में, तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने डिस्चार्ज किए गए कोविड-19 रोगी में से प्रत्येक को कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? ऑप्शन 5,000 रुपए, 3,000 रुपए, 2,000 रुपए, 1,000 रुपए। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2,000 रुपए। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश राज्य कब स्थापित किए गए? तो 1 नवंबर 1956 में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो पहला है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, दूसरा है राजीव गांधी नेशनल पार्क, तीसरा है पापीकुंडा नेशनल पार्क। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, पहला है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, दूसरा है राजीव गांधी नेशनल पार्क, तीसरा है पापीकुंडा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, ले और नई दिल्ली के लिए हाइड्रोजन ईंधन कार और बस परियोजना निम्नलिखित में से लॉन्च किसने की? ऑप्शन एनटीपीसी, भेल, सेल, एनएचपीसी। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनटीपीसी। एनटीपीसी के फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी कब स्थापित किए गए? तो 7 नवंबर 1975 में। एनटीपीसी के एमडी एंड चेयरमैन कौन है? गुरुदीप सिंह। एनटीपीसी के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। भेल, भेल के फुल फॉर्म क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भेल के सीईओ कौन है? नलिन सिंगल। कौन है? नलिन सिंगल। सेल के फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल के सीईओ कौन है? अनिल कुमार चौधरी। एनएचपीसी के फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। और एनएचपीसी के हेडक्वार्टर कहाँ है? फरीदाबाद हरियाणा में। लद्दाख के एलजी कौन है? आरके माथुर। नई दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और एलजी कौन है? अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योग में से कौन सा भारत का शीर्ष निर्यातक क्षेत्र बन गया है? ऑप्शन केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स, चमड़े के सामान, वस्त्र, कृषि उत्पाद। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स। हमारे रसायन मंत्री कौन है? डीवी सदानंदा गौड़ा। डीवी सदानंदा गौड़ा। हमारे वस्त्र मंत्री कौन है? टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी। और हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। हमारे रसायन मंत्री कौन है? डीवी सदानंदा गौड़ा। अगला क्वेश्चन है, झूमा खातून
डोप टेस्ट में नाकाम रहने पर 4 साल के लिए प्रतिबंधित लगा, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन एथलीट, बैडमिंटन, क्रिकेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, एथलीट। झूमा खातून ये किस राज्य से बिलोंग करती है? तो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष कौन है? तो वाइटोल्ड बाका। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रायल, कनाडा में है। अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर ए है, केंद्र सरकार ने अपने 4.8 मिलियन कर्मचारियों और 6.5 मिलियन पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को 1 जुलाई 2021 तक किस प्रतिशत पर सील कर दिया? ऑप्शन 12%, 14%, 17%, 20%। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा डिस्कशन के साथ। ये टोटल कंप्लीट 29 अप्रैल 2020 में से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए और अपने सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।